गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग अबाउट द सोल अर्ली स्टडीज। टुडे वी स्टार्ट फेसेस ऑफ द स्टोन एज। हिस्टोरियन डिवाइड द प्री हिस्टोरियन पीरियड इनटू द फॉलोइंग थ्री फेसेस: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज को ही ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज, और इसे मिडल स्टोन एज। और इसे न्यू स्टोन एज, ठीक है, राइट, न्यू स्टोन एज। नाउ पैलियोलिथिक एज फर्स्ट शुरू करेंगे हम। पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज इज कंसीडर्ड टू हैव बिगन अराउंड 5 लाख बीसीई बिफोर क्रिश्चियन एरा, यानी बीसीई बिफोर क्रिश्चियन एरा, एंड लास्टिंग टिल अबाउट 10,000 BCE। मैन हु लिव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट्स एंड बेरीज फॉर फूड। आप इसमें जो है देखेंगे पेज नंबर 20 मैप है आपका इंडिया का। तो इंडिया के मैप में यहाँ पर पैलियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स, अष्टमिक साइट्स दे रखी है। कौन कौन से प्लेसेस हमें कहाँ कहाँ पर थे, कहाँ कहाँ पर मिले हैं, तो उसके बारे में हम अभी आज साथ के साथ जो है इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैप पे भी नजर रखेंगे। द अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स नियर वाटर बॉडीज लाइक लेक्स एंड रिवर्स। द वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स बिलोंगिंग टू द पैलियोलिथिक एज हैव बीन एक्सकैवेटेड टू द पैलियोलिथिक एज बाय आर्कियोलॉजिस्ट। अब आपने देखा होगा पैलियोलिथिक एज में जितने भी स्टोन के टूल जो है इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे, तो वो जो है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सकैवेटेड किए गए, जिनकी खुदाई करी गई उनके द्वारा और प्रमाणित किए गए। दीज इंक्लूड क्लब्स एंड एक्सिस, बोज एंड एरोस। हिस्टोरियंस हैव फर्दर डिवाइडेड द पैलियोलिथिक एज इनटू थ्री फेसेस। अब पैलियोलिथिक एज को हम तीन फेसेस में डिवाइड कर देते हैं: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। अब आपने देखा होगा द मैन फर्स्ट स्टार्टेड मेकिंग स्मूथ टूल स्टोन टूल्स इन द लोअर पैलियोलिथिक एज। अब जो लोअर पैलियोलिथिक एज में मानव ने, मैन ने जो है टूल बनाने स्टोन के जो है शुरू कर दिए थे। ओनली सिंपल टूल लाइक कोबल कोबलेट फ्लेक्स वर यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस फेस इज आल्सो नोन एज आइस एज, और मोस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड बाय आइस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जो लोअर पैलियोलिथिक एज थी इसे हम आइस एज के नाम से भी जानते थे, क्योंकि ज्यादातर जो प्लेसेस थे वो आइस से ही भरे हुए थे। इन इंडिया शिवालिक रेंज, सोन वैली इन, अब आपने शिवालिक रेंज के बारे में पढ़ा, सोन वैली इन पंजाब हैव हिडन आर्टिफैक्ट्स व्हिच कम फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक एज। ए नंबर ऑफ द हैंड एक्सेस हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस रीजन। अब जो है इसमें काफी जो है एक्सेस में कुल्हाड़ी होती है ना, तो काफी कुल्हाड़ी मिली है क्षेत्रों में जो कि स्टोन की बनेगी। द मेन टूल्स यूज्ड द बाय मैन ड्यूरिंग द मिडिल पैलियोलिथिक। अब जो है सेकंड है आपकी पैलियोलिथिक एज में हमने तीन पर कहा करती थी, लोअर मिडिल एंड अपर। तो अब अर्ली भी कह रहे थे उसे, अर्ली पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक एंड लेट पैलियोलिथिक। तो मिडिल पैलियोलिथिक इंक्लूड स्क्रैपर्स एंड बोरर्स। अब जो है उसमें बोरर्स और स्क्रैपर्स थे। एट दिस टाइम मैन हैड स्टार्टेड डेवलपिंग कल्चरल फॉर्म्स लाइक रॉक आर्ट एंड केव पेंटिंग। अब इस वक्त जो है क्या कर दिया था, शुरू स्टार्ट कर दिया था मैन ने
कल्चरल फॉर्म, यानी कि रॉक आर्ट, रॉक के ऊपर जो है कलाकृतियां का बनाई होती थी, पेंटिंग करते थे केव्स में भी, तो केव्स के मोर ओवर एक बार ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट मैन स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स। अब उसी पीरियड में किस में मिडिल पैलियोलिथिक एज में मैन जो है क्या शुरू कर दिया था, ह्यूमन बीइंग ने क्या कर दिया था, ग्रुप में रहना शुरू कर दिया था एंड ऑल्सो स्टार्टेड बरिंग डेड मेंबर्स ऑफ ग्रुप। और जो है जो उनके मेंबर एक्सपायर, जैसे आजकल जो है एक्सपायर होते हैं हम संस्कार करते हैं तो इसी तरह फ्यूनरल्स ले जाते हैं, तो इसमें यहाँ पर जो है जो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता था, डेड हो जाता था, तो उसको जो है क्या करते थे, दबा देते थे, बरी कर देते थे, जिनके दबाना शुरू कर दिया था किसमें, मिडिल पैलियोलिथिक एज में ही, द अपर पैल नाउ अपर पैलियोलिथिक एज। अब आपने जो है तीनों को याद रखना, लोअर पैलियोलिथिक एज में क्या क्या हुआ, मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ और अपर पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ। वाज मार्क्ड फार बाय अ वार्मर क्लाइमेट एज इट रफली कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज। कॉमनली यूज्ड टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूडेड, अब इसमें कौन कौन से टूल यूज होते थे, ब्लेड्स, बरिंग्स, एडवांस्ड डार्ट्स एंड फिशिंग हुक्स इन इंडिया, भोपाल इन मध्य प्रदेश एंड छोटा नागपुर इन झारखंड हैव प्रोवाइडेड मेनी अपर पैलियोलिथिक साइट्स। अब जो अपर पैलियोलिथिक जो साइट्स थी वो हमारे भोपाल में और छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड में, छोटा नागपुर के पास, तो ये जो है झारखंड में छोटा नागपुर इन झारखंड है प्रोवाइडेड मेनी, यानी कि बहुत सारी अपर पैलियोलिथिक की जो है साइट्स मिलती हैं देखने में हमें। अब उसके बाद आता है पहले डिस्कवरी ऑफ फायर इन द लोअर पैलियोलिथिक साइट ऑफ गेसर बिनोड याकोब इन इजराइल। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड चार्ड वुड्स एंड द सीड्स, दीज आर्टिफैक्ट्स हैव बीन डेटेड द टू बी 790,000 ईयर्स ओल्ड, दस दिस साइट इज कंसीडर्ड टू हैव प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द हाईएस्ट यूज ऑफ कंट्रोल्ड फायर। Man's discovery of fire and this mastery over its use proved to be significant event in the history of mankind. This the discovery of fire has become an important feature of the stone old stone age. अब आपने देखा होगा कि इजराइल के गेसर बिनोड याकोब में जो है एक साइट है, ये जगह है वहां पर, तो उसमें जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने जली हुई लकड़ियां चार्ड वुड्स एंड दस एंड सीड्स जो है वहां पर पाए, कब, 790,000 वर्ष पहले, यानी कि 790,000 ईयर्स ओल्ड। तो इस साइट में ये एविडेंस मिले कि मानव ने जो है इस एज में, यानी कि पैलियोलिथिक एज में आग के ऊपर जो है कंट्रोल कर लिया, यानी कि अर्लीस्ट यूज ऑफ कंट्रोल्ड फायर, मैन डिस्कवरी ऑफ फायर एंड हिज मास्टरी ओवर इट्स यूज प्रूव टू बी सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट था व्यक्ति की जिंदगी में। The discovery of the fire has become an important feature. It is generally accepted that man must have seen natural fire earlier. ये मतलब सोचा जाता है, जनरली ये स्वीकार किया जाता है कि पहले जो है मानव ने प्राकृतिक आग को देखा होगा and must have accidentally learned how to produce fire. और बाद में जो है accidentally, इनके अचानक ही जो है धीरे धीरे जो है उसने आग को प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस फायर, फायर कैसे चलाई जाती, लगाई, आग कैसे तैयार की जाती है, पैदा होती है या करते हैं, व्हेन दे रब्ड टू स्टोन्स माना जाता है। कई बार कहते हैं दो बैम्बो से आग स्ट्राइक करने से आग, कोई कहते हैं कि जो आपने देखा होगा जो स्टोन होते हैं हमारे रिवर में होते हैं ना साइड में, जो हार्ड स्टोन, तो
उसको जो है यूज ट्राई करने से, आप चिंगारी तो आपने देखो ना ऐसे करने से होती है क्या, है ना। तो यानी कि when they run the two stone, यानी कि दो स्टोन को जो है रगड़ने से जो है फायर प्रोड्यूस हुई। दिस डिस्कवरी ऑफ कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर मस्ट हैव फैसिलिटेटेड कुकिंग। अब इस डिस्कवरी से क्या हुआ, आपके ऊपर जब कंट्रोल डिस्कवरी हुई तो इससे क्या हुआ, मानव जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, आग जो है इनके आग का जो है इन्वेंशन होने से उसने जो है अपना जो भोजन का फूड जो है वो कुक करके खाना शुरू कर दिया, पका करके खाना शुरू कर दिया। यानी कि वो मांस को जो है मीट को क्या करता था, फिर आग में डालता था और जो है या चाहे बाई बाई वो चाहे एक्सीडेंटली हुआ हो, यानी कि जैसे जानवर कोई आग में जल गया, अब जब उन्होंने खाया तो उन्हें वो टेस्टी लगा, टेस्टी लगने से क्या हुआ, उन्होंने देखा हाँ इससे स्वाद बढ़िया है, तो उन्होंने फिर उसे आग में डाल करके जो है उसे रोस्टेड करके जो है इनके भूनते थे और खाते थे, तो उससे और टेस्टी लगता था। एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड अर्ली मैन फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल, अब आग जलाए देते थे ताकि जो है वाइल्ड एनिमल जो है उससे डर सके, क्योंकि वाइल्ड एनिमल फायर से डरते थे, तो और वो प्रोटेक्ट उनसे इसे प्रोटेक्शन मिलती थी आग से किसे, अर्ली मैन को। एंड मोर इम्पोर्टेंटली फ्रॉम द हार्श विंटर्स ऑफ द आइस एज, अब आइस एज थी तो उसमें जो है ज़्यादातर जो है लोगों को उन्हें क्या मिलता था, बर्फ थी, बर्फ का युग था। पहले मिल्टी एज आपने देखा होगा कि जो लोअर पहले मिल्टी एज थी तो इसमें जो है इसे आइस एज भी कहते हैं, तो इससे जो है ठंड से बचने के लिए वो क्या करता था, इनके आपका जब आविष्कार हुआ डिस्कवरी ऑफ फायर हुई तो उससे यह जो है क्या हुआ, इसने अब आग से जो है वार्म होता था, गर्म सेकने के लिए जो है बढ़िया काम आता था, तो उससे जो है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि इसके लिए एक तो कुकिंग करने शुरू कर दी थी, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन होती थी और साथ में विंटर में जो है ये हार्श विंटर में जो है ये अपने आप को क्या है प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पैलियोलिथिक एज, डू रीडिंग and try to fill book one. Thank you.